नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त है दिन भर के बड़ी खबरों का। संसद के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। जहां सत्र के पहले दिन ही सरकार और विपक्ष के बीच मणिपुर हिंसा मामले को लेकर टकराव देखने को मिला, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद में कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी और पीएम मोदी के मुलाकात पर चल रही चर्चा के बीच अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम ने मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी का हालचाल जाना, वही सोनिया गांधी से पीएम ने मणिपुर मामले पर चर्चा कराए जाने की भी मांग की। मणिपुर मामले का वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उनकी इस प्रतिक्रिया पर तंज कसते हुए कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आपका दर्द या गुस्सा दिखाई नहीं देता। आप सत्र शुरू होने से पहले 8 मिनट 25 सेकंड बोले, आपके पास मणिपुर के लिए सिर्फ 36 सेकंड थे। मणिपुर पर बोलने के बजाय आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर ताने देने लगे। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी को आज सुबह पुलिस ने शमशाबाद में रोक दिया। वह शमशाबाद हवाई अड्डे से बाटा सिंग्रम के लिए रवाना हुए थे। वह गरीबों के लिए बीआरएस सरकार की आवास योजना की एक साइट का निरीक्षण करने जा रहे थे। उन्होंने केसीआर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। महिला पहलवान केस में सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मिली बड़ी राहत, दिल्ली की राव एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन को लेकर उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच का दायरा दिनों दिन बढ़ रहा है। यूपी एटीएस की टीम सीमा हैदर की सच्चाई तलाश रही है और उम्मीद है कि जल्द ही एटीएस नतीजे तक पहुंच सकती है। हालांकि सीमा हैदर खुद को पाक साफ बताते हुए सचिन के साथ रहने की गुहार लगा रही है, बार बार सरकार से अपील कर रही है कि उसे सचिन के साथ रहने दिया जाए। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक करें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इससे हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना आप लोगों के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरें लाते रहते हैं। बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बनवाने के आरोप में एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अरेस्ट किया गया है। यूपी एटीएस और पश्चिम बंगाल एटीएस ने जहीर को पकड़ा है। बांग्लादेश का रहने वाला जहीर ने सहारनपुर से पासपोर्ट बनवा लिया। पकड़ा गया जहीर सऊदी अरब जाने की फिराक में था। उसके पास से इंडिया और बांग्लादेश के कई सिम भी बरामद हुए हैं। देश के केंद्रीय बैंक ने यूपी के यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ग्राहकों के लिए असुरक्षित और बैंकिंग के नियमों की आवश्यकताओं की पूर्ति न कर पाने की वजह से आरबीआई द्वारा यह फैसला लिया गया है। पटना की एमपी एमएलए अदालत के विशेष जज ने पूर्व एमएलसी व राजद नेता आजाद गांधी को विभिन्न धाराओं में कुल 5 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि आजाद गांधी पर चुनाव कार्यालय में हंगामा करने और अधिकारियों से मारपीट करने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश का मामला संवैधानिक पीठ को भेज दिया है, जहां 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए थे कि वह इस मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज सकते हैं। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पैरवी के लिए किए गए वकीलों की फीस 55 लाख रुपए बकाया अब भी है, जिसको लेकर सीएम भगवत मान ने साफ मना कर दिया है, वह अंसारी के वकीलों की फीस नहीं देंगे। वहीं एक और मामला सामने आया है, जिसमें किसान भवन में तैनात किए गए एनएसजी कमांडोज का 5 करोड़ का किराया बकाया बताया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व व वर्तमान जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मामले को निपटाने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। इसको लेकर हरियाणा के डीजीपी ने राज्य पुलिस मुख्यालय में डीजीपी जेल एडीजी अपराध सभी पुलिस कमिश्नर सभी जिले के एसपी व सभी डीए के साथ बैठक की है। उत्तराखंड के चमोली हादसे को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का पुतला फूंका। डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि उत्तराखंड पहले से ही आपदा प्रबंधन क्षेत्र है, ऊपर से सरकारी महकमे की आपराधिक लापरवाही राज्य के लिए घातक साबित हो रहा है। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने की दिशा में तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत झारखंड के इतिहास में पहली बार एक साथ 26,000 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व रणनीति में बड़े पैमाने पर बदलाव करने जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मात देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय नेता खुद एक्टिव हो गए हैं। चुनावी रणनीति की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। उन्होंने बड़े नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी है और लगातार राज्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति तेज हो गई है। ऐसे में खरगोन में बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों बसपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी भगवान बडोले अपने 40 साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हिमाचल प्रदेश दवा उद्योग में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि जब तक ऐसे मामले में सख्त सजा नहीं होती है तब तक यह भ्रष्टाचार चलता रहेगा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से आग्रह किया है कि वह इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने मणिपुर की घटना को शर्मसार करने वाली करार दी है। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर सोशल मीडिया में वायरल वीडियो हृदय को द्रवित करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ 21 जुलाई को हर जिले में खंड विकास अधिकारी कार्यालय का घेराव करेगी। यह जानकारी पार्टी नेताओं द्वारा दी गई है। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय से लगातार सियासी हलचल देखी जा रही है। कुछ दिन पहले एनसीपी में अजीत पवार ने सबसे पहले बगावत की, इसके बाद उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया और महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद दोनों गुटों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उनके पास सबसे अधिक विधायकों का समर्थन प्राप्त है। गुजरात सरकार के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अहमदाबाद में 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने कहा कि 2036 ओलंपिक के लिए मेजबानी अधिकार हासिल करने पर उसका ध्यान है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के अचानक आयोजन करने से मना करने पर अहमदाबाद में आयोजन की रिपोर्ट्स आई थी। राजस्थान विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव की तैयारी कर रही है। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी सरकार को बचाने के लिए जीतोर कोशिशें कर रही है, वहीं बीजेपी उसे सत्ता से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार बैंक बीएमसी बैंक ltd.com पर जाकर इससे जुड़ा पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। भारतीय मसाले खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। इन्हीं मसालों में शामिल है अजवाइन। यह हर किचन में आसानी से उपलब्ध होता है। यह खाने का सुगंध और स्वाद बढ़ाने में ही नहीं बल्कि कई बीमारियों को दूर करने में भी मदद करता है। इन छोटे छोटे बीजों में प्रोटीन, फाइबर, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन और कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो पाचन संबंधी समस्या से राहत के लिए सबसे कारगर उपायों में से एक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और वीडियो को शेयर भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वे भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। दोस्तों बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को भी दबा दें।